आज हम शून्यकाल पर मिल रहे हैं समता जाधव से, जो एक यंग वुमेन्स एक्टिविस्ट हैं। पिछले 8-10 साल से मुंबई में काम कर रही हैं, अलग अलग ग्रुप्स के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ। समता जी, महिला दिवस के अवसर पर आपको क्या संदेश देना है? संदेश नहीं है ये, मुझे मेरी एक फीलिंग है और मुझे लगता है कि मैंने वो शेयर करना चाहिए शून्यकाल के साथ में या और भी दोस्त है, क्योंकि हम भी फिल्म्स बनाते हैं और ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है लोगों तक पहुंचने के लिए, बहुत डायरेक्टली माध्यम है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं और मेरी जैसी ही लड़कियां हैं, वो कुछ इमोशनल डिसीजंस नहीं ले पाती हैं वक्त पर, और काम करती है और फिर साथीदार का होना है या फिर रिलेशनशिप में जाती है या फिर शादियों में शादी हो जाती है या शादी की प्रोसेस में जाती है, फिर काम रुक जाता है। तो ऐसा वो ना करें। शादी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज है लाइफ की, लेकिन उससे काम नहीं रुकता, और साथीदार भी ऐसा होना चाहिए कि उसकी वजह से भी काम नहीं रुकना चाहिए। तो चॉइस ऐसे ही लोग करें जिसकी वजह से तो आपका काम नहीं रुकना चाहिए। तो काम करते रहिए, और जब आप काम करोगे तो आपकी काम की लेवल्स जब बढ़ जाएंगी तो शादी जैसे, रिलेशनशिप जैसे, जैसे नाते संबंध जैसे डिफ़िकल्टीज जहाँ जहाँ पे भी होती है उसकी वजह से, वो कभी भी आपको महसूस नहीं होगी। तो अगर आपका काम फोकस है तो रिलेशनशिप और शादी कोई मायने नहीं रखती है काम के लिए, और उसी को फोकस में रख के करेंगे तो शायद आपके साथीदार भी आपको मदद कर दे। तो ब्रॉडर लेवल पे क्या आपको लगता है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिलाओं का जो रोल है वो बहुत कम है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में विमेन आर वेरी लेस, तो क्या आप इसमें शादी को भी एक मुख्य कारण मानती हैं? शादी भी एक मुख्य कारण है, सभी महिलाएं नहीं चाहती कि वो शादी करें, लेकिन समाज हमारा जो है वो कहता ही है कि तुम अभी शादी, पैदा हो गई लड़की सवाल पूछते हैं, और पैदा होने से ही उसकी शादी विचारों से हो ही जाती है, घर वाले विचारों में उसकी शादी कर देते हैं, सोच में ही उसकी शादी कर देते हैं, अब आ गई लड़की पराया तो बच्चा पैदा करवा देते हैं, हाँ उसके बच्चे भी पैदा करवा देते हैं माँ बाप सोच में। तो लगता है ये लड़कियों के करियर में आने वाली जितने भी अड़चने हैं उसमें से एक अड़चन है डेफिनेटली शादी और रिलेशनशिप। बिल्कुल, तो जहाँ पे लड़कियाँ इमोशनल डिसीजन नहीं ले पाती ऐसा लगता है, तो आकांक्षाओं को छोड़ना नहीं चाहिए इस जनरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद समता जी, शून्यकाल के साथ बात करने के लिए, मेरी बाइट लेने के लिए, शून्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई है, शून्यकाल के लिए ऑल द बेस्ट।